जैसे रेहान साहब ने फरमाया कि ये लगता है जैसे इत्तफाकात का एक तसलसल चल रहा है। कितनी दिलचस्प बात है, अगर प्रोबेबिलिटी को भी हम देखें, उसको स्टैटिस्टिकल देखें हम, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे फैसले एक दिन ये सुनाए इन्होंने। अच्छा, उसके बाद बैलेंस भी किया, खुश भी कर रहे हैं एक पार्टी को और एक पार्टी जो है उसे आउट भी कर रहे हैं। एक तसलसल है, जैसे लगता है कुछ लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं पीछे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कहा जाता है, एक हाइपोथेसिस है कि कुछ लोग लिखवाते हैं पीछे, एस्टेब्लिशमेंट है जो भी इसको नाम देते हैं। तो वो बड़ी अच्छी और मजे की गेम खेल रही है, अवाम के साथ भी खेल रही है, मुल्क के साथ भी खेल रही है। और आई एम सॉरी टू से, मशरकी पाकिस्तान का चाहने की कल डेट है 16 दिसंबर, हमने अभी तक सबक सीखा नहीं है, 16 दिसंबर से सबक नहीं सीखा, सीखा होता तो ये ना हो रहा होता। और इसमें देखते हैं, एक प्रेशर ग्रुप था पीटीआई, जो एक प्रेशर ग्रुप की तरह बनाया गया है, इमरान खान को आउट किया ही नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं है, तो उन्होंने आना ही आना था, फैसला अंडरस्टूड था, ऐसा ही होना था, मुझे तो कोई हैरत नहीं। नदीम साहब, छोटी सी इजाजत देंगे, एक तो ये है कि उन्होंने बात क्यों की, और अगर तो वही स्क्रिप्टेड है, इसका मतलब है कि अंदर खान नून लीग के अंदर भी जो गेम है वो बड़ी बाजी अब सामने आ गई है, और जो फैसला है या जो भी डिसीजन हुआ है या इसके जो भी आगे असरात आने वाले हैं वो भी आप देखें, उस पर भी पता नजर आ रहा है कि किन को आउट किया जा रहा है, किन को इन किया जा रहा है। तो स्पीकर का जो स्टेटमेंट है, गोगी उन्होंने कहा है कि मैंने अपना बोझ उतार दिया है, तो बोझ उनका उतर गया है, और आज उन्होंने उसकी बिल्कुल अपोजिट बात की है कि मैंने एक बोझ उतारा था लेकिन अब मैं मुतमिन हूँ, लेकिन अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि हालात बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, और हुकूमत टाइम पूरा करेगी। ये शायद खकान अब्बासी ने भी ये बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने कहा उनका अपना स्टेटमेंट हो सकता है। वैसे ये जो इदारा है जिसका नाम पार्लियामेंट है, खासतौर पर कौमी असम्बली, तो इसके ऊपर को बोझ होना नहीं चाहिए इसके स्पीकर के ऊपर, क्योंकि इसका इसके ऊपर बहुत हल्का बोझ है, हार्डली उनकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें हार्डली कोई डिस्कशंस होती हैं, उसके अक्सर जो मेंबरान हैं वो तो कोरम ना पूरा होने की वजह से छुट्टी पे होते हैं, अलाउंसेज उनको मिल रहे होते हैं, तो एक ऐसा पार्लियामेंट जिसपे बोझ ही कोई नहीं है उसके स्पीकर को भी हल्का मैंने होना चाहिए। यही मैंने अर्ज किया है कि इनको ऐसा स्टेटमेंट देने नहीं, मैं टू नेशन थ्योरी अगर वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, अभी और किया, ढाका में मुस्लिम लीग बनी है, ढाका में सारी पार्टिसिपेशन हुई है, ये रीजन जो हम वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, मगरबी पाकिस्तान, ये उस तरह एक्टिव नहीं था जितना बंगालीज थे, वो इलाका था, लेकिन वो नाराज हुए हमसे और हमारी अपनी हमाकतों से हुए, फातिमा जना की जो 65-64 की शिकस्त है। वो उनको नाराज कर गई, उसके अलावा हमारा जो मार्शल लॉ था रजीम, वो उन्हें नाराज कर गया, वो हमसे जुबान का बहुत जुबान का सबसे अहम मसला था कि बंगाली जबान, पाकिस्तान को कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, 56% पॉपुलेशन है, अगर वो कहते ना कि हमें कि कोई या तो हमें है या नहीं है, हम एक साल में एक दिन उन्हें मुख्तस किया हुआ है, उसमें वो प्रोग्राम्स कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं, कॉल हुआ, वो बढ़ती जा रही पाकिस्तान में, वो हमें नजर आई है, अभी लास्ट धरने में भी नजर आई है, बाकी वो हर लेवल पे आप देखें, एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी जो है वो बढ़ती जा रही है। हमने जैसे अभी बात की कि ईस्ट पाकिस्तान की जो सेपरेशन है वो भी हम इसी ग्राउंड पे कह रहे हैं कि उसमें इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही थी। ये जब कटता है ना उसमें एकदम मेरी आवाज है, कोई अगले टाइम रहते हैं और उसके अपनी एक खास इसके साथ नीचे से ऊपर तक सतह पे जस्टिस, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ के मामले में भी हमने देखा।